नमस्कार, मैं हूं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल ओडिशा में रात 12:45 में हुआ, जहां इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तेज हवाओं और बारिश से कई पेड़ उखड़ गए और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सुरक्षा उपायों के तहत ओडिशा के 10 लाख और पश्चिम बंगाल के 3.5 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर तकनीकी खामियों के कारण 100 दिन से अधिक समय से अंतरिक्ष में है। उनका यान बिना उन्हें लिए लौट आया। नासा ने उन्हें स्पेस एक्स की ड्रैगन क्रू 9 उड़ान से फरवरी 2025 तक लाने का निर्णय लिया है। भारत और न्यूजीलैंड के पुणे टेस्ट में दूसरे दिन टीम इंडिया की पहली पारी 156 रन पर समाप्त हुई, जिससे न्यूजीलैंड को 103 रनों की बढ़त मिली। मिचेल सैंटनर ने 7 विकेट लिए। पहले दिन वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लेते हुए न्यूजीलैंड को 259 पर आउट किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमेरिका में कहा कि रोजगार सृजन सबसे बड़ा वैश्विक मुद्दा है। उन्होंने विश्व बैंक से उच्च प्राथमिकता वाले कौशल क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सहयोग करने का आह्वान दिया, ताकि युवा नौकरी बाजार में बेहतर तरीके से प्रवेश कर सके। द साबरमती रिपोर्ट का टीजर रिलीज हो गया है, जो 2002 की गोधरा त्रासदी पर आधारित है। फिल्म महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, जैसे असल में क्या हुआ था और यह घटनाएं आज को कैसे प्रभावित करती है। मेकर्स ने फिल्म के प्रभावशाली पोस्टर से फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाई है। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने 50 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहने के आरोप में हिरासत में लिया है। जालसाजी और जाली दस्तावेजों की जांच के तहत कार्रवाई की गई है। 200 अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है और पुलिस जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। विराट कोहली पुणे टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। वे स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, खासकर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों के खिलाफ। 2021 से एशियाई पिचों पर उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जहां वो स्पिनर्स के खिलाफ टेस्ट में 26 पारियों में 21 बार आउट हुए हैं। भारतीय सराफा बाजार में 25 अक्टूबर 2024 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 78,064 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 916 22 कैरेट प्योरिटी वाले गोल्ड प्राइस 71,507 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी 96,075 रुपये प्रति किलो पर है। पिछले दिन की तुलना में सोना 182 रुपये और चांदी की कीमत भी घटी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव रखा। बैठक में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नियम लागू होने पर ऐसे वाहनों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जबकि केवल BS6 श्रेणी के बसों को ही प्रवेश दिया जाएगा। अनुपम खेर ने अपने पिता पुष्करनाथ खेर के रहस्यमय बक्से का जिक्र किया, जिसमें पुरानी तस्वीरें, पत्र और व्यक्तिगत वस्त्र थे। पिता की शिक्षाओं और संघर्षों को समझते हुए अनुपम ने बताया, यह अनुभव परिवार और व्यक्तिगत संबंधों की अहमियत को दर्शाता है, जो जीवन को गहराई देते हैं। वर्तमान में युद्ध, विशेषकर रूस, यूक्रेन और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच वैश्विक बाजारों पर असर डाल रहा है, जिससे सोने में निवेश की मांग बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और धीमी अर्थव्यवस्थाएं भी निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित कर रही है, खासकर भारत में त्योहारों के कारण। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने CBI के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस ने चेतावनी दी कि यह याचिका उच्च प्रोफाइल आरोपियों के कारण दायर की गई। ओडिशा के तट पर चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव के बाद कोलकाता हवाई अड्डे पर सुबह 8 बजे से परिचालन बहाल कर दिया गया। रेलवे की ट्रेन सेवाएं भी सियालदह मंडल के दक्षिण खंड में 10 बजे से शुरू हुई। झारखंड में हल्की बारिश जारी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र ने 25 अक्टूबर 1951 को पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, जो 21 फरवरी 1952 तक चली। इस चुनाव में 17 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया, साबित किया कि भारतीय समाज लोकतांत्रिक दायित्व निभा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला की सैलरी 63% बढ़कर $79.1 मिलियन, करीब 665 करोड़ रुपए हो गई है। यह वृद्धि कंपनी के शेयरों में तेजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश के कारण हुई। हालांकि नडेला ने कैश सैलरी कम करने की मांग की है, सुरक्षा मुद्दों के कारण।
भारतीय रेलवे का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। जानकारी की कमी से बचने के लिए रेलोफाई ऐप का उपयोग किया जा सकता है। यह व्हाट्सएप पर पीएनआर स्टेटस, फूड ऑर्डर, ट्रेन की उपस्थिति और अन्य सेवाओं की जानकारी देता है। एम्स के जय प्रकाश नारायण एपिक्स ट्रॉमा सेंटर में अब वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर खुलने से सर्जरी की संख्या 1500 से बढ़कर 2500 प्रतिमाह होगी। इससे मरीजों को जल्दी इलाज मिलेगा और सर्जरी के लिए लंबी वेटिंग लाइन कम होगी। इसराइल लेबनान और गाजा में हमले कर रहा है, जबकि हमास ने सीज फायर पर सहमति जताई। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान ने इसराइल के संभावित हमले के जवाब में तैयारी करने को कहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि यदि इसराइल ने हमले किए तो युद्ध बढ़ सकता है। अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर अपनी आगामी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक की रिलीज डेट घोषित की है। फिल्म का निर्देशन सुजीत सिरकार कर रहे हैं, जिन्होंने पहले अभिषेक की हिट फिल्म पा का निर्देशन किया था। फिल्म 22 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ईस्टर्न लद्दाख में देपसांग और डेमचौक में डिस इंगेजमेंट प्रक्रिया तेजी से चल रही है। गुरुवार रात तक 40% टेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर हटाए जा चुके हैं। दोनों देशों के लोकल कमांडर हर दिन हॉटलाइन पर चर्चा कर रहे हैं और मीटिंग्स के जरिए प्रगति साझा कर रहे हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड में मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव और लाठीचार्ज से हालत बिगड़ गए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने शुक्रवार की नमाज का विरोध किया, जिससे सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर फिर से हमला करते हुए कहा कि अगर वह व्हाइट हाउस पहुंची तो चीन के नेता उनके साथ बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे। ट्रंप ने हैरिस को पहले भी मंदबुद्धि और आलसी बताया है, उनके विचारों को निशाना बनाते हुए। बिहार के भागलपुर में संजीव उर्फ लालू शर्मा ने दिवाली पर मोदी लड्डू लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 900 रुपये प्रति किलो है। लालू शर्मा का दावा है कि इन लड्डू में शुद्ध केसर घी, पिस्ता, बादाम और गुलाब का रस मिलाया जाता है, जिससे उनकी शुद्धता सुनिश्चित होती है। इस लड्डू का भार 250 ग्राम है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की 3000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द समाप्त होने वाली है। आवेदन 21 सितंबर से शुरू हुए थे और उम्मीदवार 27 अक्टूबर तक रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जल्द करें, आवेदन समय सीमित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनवीडिया दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं, लेकिन एनवीडिया का मार्केट कैप लगभग 3.44 ट्रिलियन डॉलर है, जो रिलायंस के 17.96 ट्रिलियन रुपए से कई गुना अधिक है। एनवीडिया की एआई तकनीक ने इसे वैश्विक स्तर पर ऊंचाई पर पहुंचाया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें से अधिकांश पंजाब से हैं। एनआईए ने बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। अनमोल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल है और कनाडा में रहने का संदेह है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि लोग प्रदूषित हवा से बचें और संभवतः घर में रहें। जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत सरकार अगले 5 वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे स्थापित करने की योजना बना रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने यह जानकारी दी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वर्तमान में 157 हवाई अड्डे हैं और अगले 20 वर्षों में 200 और हवाई अड्डों का विकास होगा। यूडीएएन योजना के तहत 1.44 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। कर्नाटक की कोप्पल जिला एवं सत्र न्यायालय ने गंगावती तालुक के मरुकुंभी गांव में 2014 के जाति संघर्ष मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 101 दोषियों में से 98 को आजीवन कारावास की सजा दी है। सभी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला जाति संघर्ष से संबंधित देश का पहला मामला है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, सोनू रहमान, दीपक कुमार, राकेश मिश्रा, रविशंकर, नौशाद रजा, मोहम्मद शाकिर हुसैन और हरिशंकर कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में भी तूफान दाना का असर देखने को मिला? जिला के साथ अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।